मेरे पास कौन कौन सी एक्सेसरीज है वो आप मुझे और मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। और जितनी भी लाइट वाली एक्सेसरीज थी मैंने आपसे वादा करा था मैं आज इन सबको चला कर दिखाऊंगा। तो मेरे पास ये बैटरी रखी हुई है 12 वोल्ट की बुलेट की बैटरी है और अब मैं इससे आपको सारी एक्सेसरीज जितनी भी थी लाइट वाली वो आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं इन इंडिकेटर से। जैसे मैंने आपको एलईडी वाले इंडिकेटर बताए थे, ये हैं एलईडी वाले इंडिकेटर। इसका ये ब्लैक वाला जो है ग्राउंड है अर्थ और ये हमने माइनस पे लगा दिया। ये इंडिकेटर आपको मैं दिखाता हूँ, ये एरो आ गया और ये इसका रिंग आ गया। ये रिंग आप बैकलाइट से भी कर सकते हैं और हेडलाइट पार्किंग लाइट से भी कर सकते हैं। ये इंडिकेटर इसका सेट आपको मिलने वाला है 600 का। आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा 50 का, ये 550 का पड़ेगा आपको। इंडिकेटर हो गए। अब ये हैंडल की बार एंड हैंडल वेट वाली लाइट है, हैंडल के साइड में लगती हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इसका ये ग्राउंड वायर, नेक वाला ग्राउंड है, हमने इधर लगा दिया। पहले लाइट में इधर रख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये माइनस वाला माइनस पर लगाया और ये प्लस पर लगा दिया। इसमें आर का लोगो भी आ रहा है, ये बना हुआ आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप पार्किंग लाइट पर कर सकते हैं कनेक्शन और ये वाला आप इंडिकेटर पर कर सकते हैं। दूसरा ये इसका वायर है, इंडिकेटर पर जलेगा, ब्लिंक करेगा। इंडिकेटर के वायर के साथ आप जोड़ देंगे ये ब्लिंक करेगा। बार एंड लाइट आ गए, हैंडल बार, ये फ्लैशिंग वाली लाइट है आप देख सकते हैं। इनको कहीं भी आप बाइक में लगा सकते हैं, बुलेट में किसी बाइक में। इसका ये ब्लैक वाला वायर आ गया, मैं आपको चेक कराता हूँ। एक वायर से ये ब्लिंक करता है, एक से ये डायरेक्ट दिखाता है, डायरेक्ट जलता रहता है। देखिए इसे डायरेक्ट चलूंगा, ये वाला है ब्लिंक करने के लिए। सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा रहता है, पीछे से कोई आता है तो आपकी गाड़ी में ठोकेगा नहीं। ये हो गया, लेफ्ट गार्ड पर लगाने के लिए ये है प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने लगा दिया, ग्राउंड वाला लगा दिया। हमारा प्लस का वायर है, ये लगाते हैं, ये कुछ ऐसे चलते हैं। इसकी रोशनी ये देखिए, यह भी आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी और मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूँ, हेडलाइट के लिए। हेडलाइट का बल्ब है, कीमत इसकी 600। ये वाला प्रोजेक्टर जो मैंने आपको दिखाया था इसकी भी 600 का पेयर है। हैंडल बार एंड लाइट है 300। इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया 550। बाकी एलईडी लाइट है, ये आम एलईडी बल्ब की तरह नहीं है, इसकी रोशनी कुछ ज़्यादा ही तेज है। और इसमें पार्किंग पे भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का पार्किंग पर जलेगा। इसका ये ग्रीन वाला ग्राउंड वायर है, सब इस पर लिखा हुआ है। आपको मैं इसकी रोशनी दिखाता हूँ, बिल्कुल आंखों में ये धुंध मचा देगा। इसका लोबी में इसका पार्किंग वाला है, ये इसका हाई बीम आ गया। देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रोशनी है इसकी, बहुत बहुत तेज रोशनी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ज्यादा। इसकी कोई वारंटी नहीं है, और वारंटी वाला मेरे पास एलईडी वाला भी नाइट आई के, ये कार में भी आप कार की हेडलाइट में लगा देंगे तो भी अच्छा रहेगा। 1600 का है, 800 का एक पड़ेगा, 1 ईयर की वारंटी की, दो का जोड़ आता है। इसको भी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, इसमें फैन भी लगा हुआ है, कूलिंग फैन, नाइट आई का आप देख सकते हैं। और भी वीडियोस पड़ी यूट्यूब पर, इसका ये हमने ग्राउंड में लगा दिया। ये हाई बीम है इसका, देखिए बहुत तेज है। ये लो बीम है, रोशनी बहुत तेज है, बढ़िया की क्वालिटी है। 1600 का 800 का एक पड़ेगा। बाकी ये झूला लाइट है, स्विंग आर्म जहाँ पर होता है क्लासिक में वहाँ लगती है, सिल्वर कलर का। देखिए इसकी ये फिटिंग है, इसको मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। वो कटा हुआ जो होता है, इसकी लाइट ये है, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ। देखिए इसकी लाइट ये है, इंडिकेटर पर आप लगा सकते हैं। दो लाइट है, ब्लू है और 350 भी है। ये झूला लाइट इसको बोलते हैं, इसकी कीमत है 180। इसमें दो तरीके के डिजाइन है, दूसरा डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ। एक इसमें ये डिजाइन है, इसमें इंडिकेटर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये मेड लाइका गन लिखा, रॉयल एनफील्ड का लोगो है इस पर।
ये आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये आप कोई भी चीज़ मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, सारी वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी। आखिर में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और मेरी वीडियोस आगे आने वाली हैं, जो भी आने वाली हैं उनको देखते रहें। और मैं आपसे बस इस वीडियो में बहुत माफ़ी चाहता हूं कि इसमें मैं अच्छी वीडियो नहीं बना सका, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी, सब मुझे पता है। मगर आगे आने वाली वीडियोज़ में ऐसी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।